वही अगर इस मॉल के एक नजर डाले तो आपको बता दो, इस मॉल का नाम बेली हैसेट मॉल है, या फिर इसको बेली स्क्वायर मॉल पटना बोल सकते हैं। पटना के सिटी सेंटर से भी बड़ा मॉल बन रहा है अपने बिहार में, जी हाँ, जिसका नाम है बेली हाई स्ट्रीट मॉल। सिटी सेंटर मॉल है, ग्रेविटी मॉल का काम चल रहा है और उसका पता नहीं कब तक होने वाला है। उसमें पता चला कि सिनेमा हॉल है जो कि शायद बाद में खुले, पीवीआर खुलने वाला था। तो होली में 2-3 दिन या 1 सप्ताह काम रुक गया हो, बट ऐसे तो जब यहाँ से गुजरते काम चलते रहता है। 3 या 4 स्क्रीन का आई थिंक मेरे को लग रहा है मल्टीप्लेक्स हो सकता है, क्योंकि मॉल काफी बड़ा है सिटी। तो अभी गाइस हम लोग राजा पर के पास पीयर नंबर 64-65 के बीच में, यहाँ पर बन रहा है बिहार का सबसे बड़ा मॉल बेली हाई स्ट्रीट मॉल। तो लास्ट तक ब्लॉग बने रहिए, पूरा आपको अपडेट देने वाले हैं। रास्ते ऊपर पुल है, यहाँ पर पिलर नंबर 64-65 है और यहीं पर बन रहा है, इसी के अंदर मॉल। तो अंदर जाके तो शूट नहीं करने अलाउ दे रहे हैं, मेरे को पुल के ऊपर ही जाके खड़ा होकर वहाँ से करना पड़ेगा। और आपको बता दें एयरपोर्ट का इलाका है तो यहाँ पर ड्रोन शॉट नहीं होगा। बाकी और भी नया नया मॉल बना उसको मैं अपडेट देते रहता हूँ। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, चैनल को जो सब्सक्राइब करें, मैं सिर्फ अपडेट नहीं देता हूँ, पटना को एक्सप्लोर करता हूँ। तो बार बार ये मत बोलिए वहाँ का अपडेट दो, यहाँ का अपडेट दो, जो बहुत जरूरी है तभी मैं जाके अपडेट। पटना के सिटी सेंटर से भी बड़ा मॉल बन रहा है अपने बिहार में, जी हाँ, जिसका नाम है बेली हाई स्ट्रीट मॉल। तो उसका पूरा अच्छा से आपको अपडेट देने वाला, क्या कुछ यहाँ पर खास होगा, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला, कितने फ्लोर का ये होगा, तो पूरा देखिए लास्ट तक व्लॉग। बिहार का राजधानी पटना में सिटी सेंटर मॉल का निर्माण हुआ है और यह मॉल बेहद खास है। जैसा कि आप जानते हैं होंगे, अभी बिहार का सबसे बड़ा मॉल सिटी सेंटर मॉल है, जी हाँ, लेकिन अब इस मॉल से भी बड़ा मॉल राजधानी पटना में बन रहा है, जो कि अपने बेली रोड में है। आपको बता दूं, इस मॉल का निर्माण राजधानी पटना के राजा बाजार में हो रहा है, जो कि IGMS हॉस्पिटल के सामने है। इस मॉल का निर्माण चल रहा है। वही वही अगर इस मॉल के एक नजर डाले तो आपको बता दो, इस मॉल का नाम बेली हैसेट मॉल है, या फिर इसको बेली स्क्वायर मॉल पटना बोल सकते हैं, जो कि राजधानी पटना के बेली रोड के नाम पर रखा गया है। वही यह मॉल भव्य होगा, जो कुल 4.39 एकड़ जमीन पर फैला होगा, जहां पर आपको इस मॉल में फूड कोर्ट, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, गार्डनिंग एरिया, शॉपिंग सेंटर आदि इस मॉल में देखने को मिलेंगे। अगर आप इस मॉल के बनने का इंतजार करें तो आपको बता दो, इस मॉल का निर्माण कार्य 2023 के जनवरी से शुरू हो गया था और ये 2024 चल रहा है, ये फरवरी का मंथ है। तो इस मॉल का जब लास्ट आप अपडेट दिए थे तो देख सकते हैं काम काफी आगे बढ़ गया है, बहुत तेजी से काम हो रहा है। बताया जा रहा है, मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि इसका पूरा कार्य 2025 तक कर देना है, शायद डेट एक्सटेंड हो, बट 2025 तक इसको पूरा कंप्लीट कर देना है। अभी पटना बेली है स्ट्रीट मॉल के अलावा कई मॉल का निर्माण चल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं बिहार का पहला सरकारी मॉल निर्माण बेरिया में किया जा रहा है। इसके साथ साथ ग्रेविटी मॉल का निर्माण बिहार के कंकड़बाग में किया जा रहा है, यह मॉल अगले साल खुल सकता है। इस मॉल का काम अंतिम चरण में है। और आपको क्या बताया, ग्रेविटी मॉल तो भाई नीचे का V2 खुल गया है, बट पूरा मॉल अभी तक ओपन नहीं हुआ, मतलब ग्रेविटी मॉल अब मॉल रहा नहीं मेरे को लग रहा। और सिनेमा हॉल का जहाँ तक पता चला था, सिनेपोलिस वहाँ पर खुलेगा, वो भी अब कन्फर्म नहीं है, मतलब अभी तो साल 1-2 साल तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैंने मैंने देखा ऊपर जाकर कोई सिनेमा हॉल के लिए वैसा कुछ कोई काम नहीं चला, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो पटना वालों को उम्मीद बची है बेली हाई स्ट्रीट मॉल में, यही सबसे बड़ा मॉल होने वाला है। एक और दो मॉल बन रहे हैं, जेवी मॉल, एक और एक मेरे को याद नहीं, हेरिटेज मॉल, हाँ उसका भी मैंने अपडेट दिया। हेरिटेज का भी लेटेस्ट में इस साल अपडेट नहीं दिया, तो उसका भी जल्दी आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आएंगे गाइस, वहाँ पर कभी गुजरेंगे तो। बाकी व्लॉग तो आप लोग के लिए ऐसे आते रहेगा, कुछ नया हो अपडेट, कहीं आपके गली में कहीं आपको पता चले कहीं मॉल बना तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं सर्च कर लूंगा। एक भाई का कमेंट आया था, मेरे को लोकेशन भी भेज दिए, पर जाके पता किए तो पता चला वहाँ मॉल बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा था वहाँ पर। आपको एक बार अच्छा से बता देते हैं, बेली हाई स्ट्रीट में टोटल 5 फ्लोर होने वाले हैं, हर फ्लोर पर कुछ कुछ अलग होगा। शॉपिंग मॉल तो शॉपिंग के लिए तो होगा ही, गेमिंग जोन तो 4th या 5th फ्लोर पर आपको खुलेगा, सिनेमा हॉल यहाँ पर आइनॉक्स या पीवीआर का लग रहा है ज़्यादा चांस, कोई नॉर्मल ऐसे छोटा मोटा सिनेमा हॉल खुलेगा नहीं। और ये सब बड़े मॉल है तो इसमें कोई बड़ा मल्टीप्लेक्स ही खुलेगा, 3 या 4 स्क्रीन का आई थिंक मेरे को लग रहा है मल्टीप्लेक्स हो सकता है, क्योंकि मॉल काफ़ी बड़ा है सिटी सेंटर से, तो मेरे को बड़ा लग रहा है। आप लोग क्या लग रहा है कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी सिटी सेंटर का अगर पीछे भी आप लोग कभी नहीं गए हैं, पीछे भी देखेंगे तो फ्लैट वगैरह बना, उस सबको जोड़ के अगर करते हैं तो सिटी सेंटर शायद ज़्यादा बड़ा है मेरे को जहाँ तक लग रहा है, आप लोग क्या लग रहा है बताइएगा। स्क्वायर फीट ये फीट से सिर्फ नहीं होता है, कितना इस जगह ले रहा है वो भी डिपेंड करता है, बोले वो स्क्वायर फीट इतना, इसका स्क्वायर फीट है, वो बोलने का सिर्फ है बात, और कुछ भी नहीं है। आप लोग जाकर जब बन जाता है मॉल तब एरिया देखते हैं अच्छा कितना कवर किया। बाकी देख सकते हैं बेली हाई स्ट्रीट मॉल या फिर बेली स्क्वायर मॉल इसको बोल सकते हैं, दो नाम है। तो इसका काम आप लोग देख रहे हैं बहुत तेज चला, वर्कर सब भी लगे हुए, जब यहाँ से गुजरते हैं देखते हैं काम चल रहा है, काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम काम बंद है। तो होली में 2-3 दिन या 1 सप्ताह काम रुक गया हो, बट ऐसे तो जब यहाँ से गुजरते काम चलते रहता है।
तो बार बार अपडेट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि व्यू आ जाएगा भाई, 1000 व्यू हो जाएगा, 4000 व्यू हो जाएगा। मैं जान रहा हूँ बार बार भी 2 सप्ताह में अपडेट दूंगा व्यू भागेगा, लेकिन मैं फिर से बताता हूँ, व्यू के लिए मैं काम नहीं करता हूँ। मैं पटना को एक्सप्लोर करता हूँ, कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ मेला लग रहा है, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, ये करने में मेरे को थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, किक मिलता है। मूवी नहीं आपने देखा होगा, किक मूवी को एक किक मिलता है, वो चीज़ हो गया था। तो चलिए ऐसे ही अपडेट आते रहेगा गाइस, अब फाइनली इस ब्लॉग को एंड करेंगे। छोटा सा अपडेट था, अभी तो काम स्मॉल का चल रहा है, फिर से अपडेट एक लेकर आएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ब्लॉग को पूरा आप लोग स्किप मत करिएगा। मैं पूरा पटना को एक्सप्लोर करता हूँ, सिर्फ अपडेट नहीं देते हैं, बहुत अपडेट वाला चैनल अलग से है, जो सिर्फ ये बनना वो बनना उसका, वो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं पटना को एक्सप्लोर करता हूँ, कहाँ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ क्या लग रहा है, कहाँ मेला लग रहा है, कहाँ क्या बन रहा है। इसलिए अगर आप लोगों को लग रहा है सिर्फ अपडेट दो, तो वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, हर इंसान का एक अलग सोच होता है। ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, अगर आपको लग रहा है, आप कोई बोले कि भाई फूड ब्लॉग करो उस पर बहुत ज़्यादा व्यू जाएगा, तुम ये करो उस पर ज़्यादा व्यू जाएगा, तो व्यू के लिए सब कुछ नहीं करते। मेरा 85 व्यू जाए वो ठीक है, कम से मेरे माध्यम से लोग तो जानेंगे इस यहाँ पर ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ कि 10,000 व्यू चल जाएगा हर हर वीडियो पे, तो चलो वही स्टार्ट कर देते। मैंने देखा कि अपडेट वाला चैनल पे व्यू बहुत ज़्यादा जाता है, तो मैं भी क्यों ना वही करूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपडेट ही डेली देते रहूँ। जी नहीं, मैं व्यू के लिए नहीं करता हूँ, पटना वालों को इससे पता चले। चलिए पैसा कम बनेगा इतना मैं जानता हूँ कि जो अपडेट देते हैं उसमें ज़्यादा डॉलर बनता है, और मैं जो दे रहा हूँ उस पर व्यू नहीं जाता, तो ज़्यादा डॉलर पैसा नहीं बनता होगा। बट सब कुछ पैसा के लिए नहीं किया जाता है। और आपको ये बता दें, अगर यूट्यूब चैनल आप लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो साइड में कुछ आपको अलग से जॉब भी रखना पड़ेगा, या फिर प्रमोशन लेकर ही चलना पड़ेगा। मेरा ज़्यादा पैसा यूट्यूब से नहीं, प्रमोशन ही ऊपर आता है। इंस्टाग्राम पर मैं आ चुका हूँ, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, कैंडी मैन व्लॉग नाम से है। कुछ भी प्रमोट होता है पटना में करता हूँ, कैफे खुला, रेस्टोरेंट खुला। बहुत को लोग बोलते हैं कि ज़्यादा क्यों नहीं आपका व्लॉग आता है कैफे रेस्टोरेंट का, क्योंकि अब मैं फ्री में नहीं करता हूँ, पहले तो फ्री में कर देता था, अब सब कुछ फ्री में कर दूंगा भाई, तो कमाई फिर कैसे होगा भाई। इस कारण से ना मैं एक से एक मॉल भर के बनते जा रहा है। अभी तक तो सबसे बड़ा सिटी सेंटर ही मॉल है, पहले पीएन मॉल था, सिटी सेंटर मॉल है, ग्रेविटी मॉल का काम चल रहा है, और उसका पता नहीं कब तक होने वाला है। उसमें पता चला कि सिनेमा हॉल है जो कि शायद बाद में खुले, पीवीआर खुलने वाला था, बाकी और भी नया नया मॉल है, पर उसका भी अपडेट आते रहेगा। तो अब चलिए यहाँ से पानी निकलने वाले। मॉल बेली हाई स्ट्रीट मॉल है, बहुत ही खूबसूरत मॉल है, पूरा आपको बता दिए जानकारी। अब पानी यहाँ से निकलने वाले हैं, और भी अपडेट आते रहेगा। चलिए तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर।